लेकिन विपक्ष आक्रामक है, हल्ला बोल लगातार जारी है। राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से संसद तक साइकिल चलाई। इससे पहले राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ अहम मुलाकात भी की। नाश्ते पर स्ट्रैटेजी बनाई गई। विपक्षी पार्टियों से बैठक में राहुल ने अपील की कि एक रहेंगे तो नहीं दबा पाएंगे आरएसएस और बीजेपी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नाश्ते पर बुलाई गई मीटिंग के बाद विपक्षी नेता साइकिलों से संसद भवन के लिए रवाना हुए। शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी और सीपीआई समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी की मीटिंग में हिस्सा लिया और फिर एक साथ ही संसद के लिए निकले। इस मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर हम विपक्ष के तौर पर एकजुट रहेंगे तो फिर आरएसएस और बीजेपी हम लोगों की आवाज को दबा नहीं सकेगी। Humiliating and shutting up the voice of the people of India and the majority of the voice of the people. The single most important thing in my view is that we unite this voice. The more this voice unites, the more powerful this voice will become and the more difficult it will become for the BJP to suppress it and the RSS to suppress it. We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. राहुल ने कहा कि हमें इस आवाज को एकजुट करना होगा। ये आवाज कितनी एकजुट होगी उतनी ही मजबूत होगी और भाजपा और आरएसएस के लिए इस आवाज को दबाना उतना ही मुश्किल होगा। ये पहला मौका था जब राहुल गांधी ने इस तरह से समूचे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ते पर आमंत्रित किया। इसमें महाराष्ट्र से शिवसेना, एनसीपी समेत देश भर की कई सियासी पार्टियों ने हिस्सा लिया। इनमें समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, जेएमएम समेत कई अन्य दल शामिल रहे। हालांकि दिल्ली के सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और मायावती की बसपा ने इस मीटिंग से दूरी बनाए रखी। इन दोनों दलों की ओर से मीटिंग में हिस्सा लेने या न लेने को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आमतौर पर यूपीए और उससे इतर विपक्षी दलों की एकजुटता के लिए सोनिया गांधी ही अब तक प्रयास करती रही हैं, लेकिन अब राहुल गांधी का इस दिशा में कदम बढ़ाना ये बताता है कि वो ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं। विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद राहुल ने साइकिल मार्च की भी अगुवाई की और गैस एवं पेट्रोल डीजल के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करते हुए नाराजगी जाहिर की। राहुल गांधी की हाल ही में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी से भी मुलाकात हुई थी। टोटल न्यूज के लिए तरुण कालरा की रिपोर्ट।